हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। आपको केवल ये वरदान मिला हुआ है कि आपको युद्ध में किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, परंतु आपने तो उस वरदान का ये अर्थ समझ लिया कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ऐसा वरदान तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पैदा होगा वो मरेगा अवश्य, यही प्रकृति का नियम है। ये अलग बात है कि वो मरेगा कैसे, क्योंकि ये तो आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आदमी को युद्ध में किसी शस्त्र से ही मारा जाए। अरे अज्ञानी राजा, मौत के आने के तो कई और भी तरीके हैं। इस वक्त तुम हमें मारने की बात सोच रहे हो, परंतु ये भी तो हो सकता है कि इस समय तुम्हारी मौत तुम्हारे पास ही खड़ी हो। देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी बात के धनी हो, वादे के पक्के हो, ये वीरता की निशानी है। ये जानते हुए भी कि जो काल यवन से युद्ध करेगा वो अवश्य मारा जाएगा, ये सब कुछ जानते हुए भी अपना वचन निभाने के लिए ये जो तुम मुझसे युद्ध करने इस तरह अकेले आ गए हो, इसके लिए तुम्हें युद्ध में मारने से पहले मैं तुम्हारी इस वीरता के लिए तुम्हें प्रणाम करता हूं। हम तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे वीरोचित भावों की प्रशंसा भी करते हैं, और तुम्हारे अज्ञान पर हमें हंसी भी आती है। हाँ, तुम मुझे अज्ञानी समझते हो? अवश्य, अज्ञानी तो तुम हो। नादान युवक, मैंने माना कि तुम बड़े वीर हो, परंतु उससे भी बड़े मूर्ख हो। मूर्ख, तुम्हें राजाओं से बात करने की तमीज नहीं। महाराज, काल यवन, सत्य और मूर्खता, ये दो अलग अलग बातें हैं। हमने तो सत्य कहा, अब यदि आपने उसे मूर्खता समझ लिया तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमारे कहने का केवल ये अर्थ है कि आपको केवल ये वरदान मिला हुआ है कि आपको युद्ध में किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, परंतु आपने तो उस वरदान का यह अर्थ समझ लिया कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ऐसा वरदान तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पैदा होगा वो मरेगा अवश्य, यही प्रकृति का नियम है। यह अलग बात है कि वो मरेगा कैसे, क्योंकि यह तो आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आदमी को युद्ध में किसी शस्त्र से ही मारा जाए। अरे अज्ञानी राजा, मौत के आने के तो कई और भी तरीके हैं। इस वक्त तुम हमें मारने की बात सोच रहे हो, परंतु यह भी तो हो सकता है कि इस समय तुम्हारी मौत तुम्हारे पास ही खड़ी हो। देखो कृष्ण, तुम युद्ध करने आए हो या शास्त्रार्थ, और यदि तुम समझते हो कि इस तरह की उल्टी सीधी बातें बनाकर तुम अपनी मृत्यु के आने को थोड़ी देर के लिए टाल रहे हो, तो यह तुम्हारी भूल है। इसलिए यह बताओ कि तुम लड़ने के लिए कौन सा हथियार साथ लाए हो। हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ युद्ध करेंगे। हमने कहा था कि युद्ध केवल काल यवन और कृष्ण के बीच होगा, तो फिर इसमें हथियारों की क्या आवश्यकता है? हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। तुम्हारे पास न रथ है न कोई सवारी, इसलिए हम भी सवारी छोड़कर
धरती पे पैदल तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ये लो सब हथियार भी यही रख दिए। अब तो बराबर की बाजी है ना? नहीं महाराज काल्यवन, ये बाजी अभी बराबर की नहीं। क्या मतलब? देखिए, हम इस मैदान में अकेले खड़े हैं, हमारे पीछे सहायता के लिए कोई सेना नहीं है। उधर आप अपने हथियार छोड़कर रथ से उतर तो आए हैं, परंतु आपकी सेना ने दूर से हमें घेर रखा है जो कभी भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए यदि आपको अपने ऊपर कोई विश्वास है तो जिस प्रकार हम अपनी सेना को छोड़कर अकेले आए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी सेना को छोड़कर बहुत दूर किसी ऐसे स्थान पर हमारे साथ अकेले चलिए, जहां पर कोई दूसरा ना तो आपकी सहायता के लिए आ सके और ना हमारी सहायता के लिए। मंजूर, हमें यह बात भी मंजूर है सेनानायक जी। हमारी आज्ञा है कि हम दोनों जहां जा रहे हैं वहां कोई हमारे पीछे ना आए। जी तुम अपनी सेना के साथ यहीं खड़े हमारा इंतजार करो। जी और नगर को अपने घेरे में रखो ताकि शहर से भी कोई बाहर ना निकल सके। जी हमारी ये आज्ञा जाकर सारी सेना को सुना दो। जो हुकुम। चलो अब कहां चलना है? वहां तक जहां हम दोनों को कोई देख ना सके। चलो लो अब तो एकांत आ गया। एकांत आ गया तब तो भागना चाहिए। कायर भगोड़े धोखेबाज, तू समझता है कि मुझसे बचकर भाग जाएगा, पर तू नहीं जानता काल यवन के हाथों तू नहीं बच के जा सकता। मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। मैं तुमसे बचने के लिए नहीं भाग रहा हूँ काल यवन, मैं तो इसलिए भाग रहा हूँ कि भागने से कुछ शरीर में गर्मी आएगी, कुछ रक्त गर्म होगा तो फिर युद्ध का मजा आ जाएगा। कितनी दूर भागना है? बस कुछ दूर और। अरे इस तरह से बहाने न बना, मुझे तो लगता है तो युद्ध करने से डर गया है इसलिए रणछोड़ के भाग रहा है। रणछोड़ कहीं के? तुमने हमें रणछोड़ कहा? आहा, कितना सुंदर नाम दिया है तुमने हमें। आज तक भक्तों ने हमारे करोड़ों नाम रखे, लेकिन इतना सुंदर नाम पहले किसी ने नहीं रखा, रणछोड़। आहा, आनंद आ गया। अरे आनंद तो तब आएगा जब काल यवन तुम्हारी टांग पे टांग रख के तुम्हारे शरीर के दो टुकड़े कर देगा। हमें पकड़ोगे तो हमारे टुकड़े करोगे ना? हम तो यही देख रहे हैं कि तुम तो तेज दौड़ने में ही हमसे हार गए हो। अरे जब पहली दौड़ के मुकाबले में ही हार जाओगे तो आगे क्या मुकाबला करोगे? समझते हो तो मुझसे बच जाओगे? तुम समझते हो कि इस अंधेरी गुफा में छुपकर तुम मुझसे बच जाओगे तो तुम्हारी भूल है। अरे काल्यवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफा में घुस कर मारा है, तुम तो एक मामूली इंसान हो। हाँ, ये भी अच्छा हुआ कि तुम इस अंधेरी गुफा में खुद ही घुस गए, अब भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे काल यवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफाओं के अंदर जाकर मारा है, तुम तो एक मामूली इंसान हो। सोना चाहता हूं। जी
भर कर सोना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। तथास्तु, ऐसा ही होगा। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। चूहे की तरह बिल में छुप कर क्यों मरते हो? वहां तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे, मर दो तो अब सामने आओ। मैंने जिंदगी में बड़े बड़े काय और भगोड़े देखे थे, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा था। वाह, क्या औरतों की तरह मुंह पे चादर तान कर सो गए हो? ऐसे खर्राटे भर रहे हो जैसे सचमुच बड़ी मुद्दत से सोए हुए हो। तीन दुनिया की कुछ खबर ही नहीं। देखो देखो, मुझे क्रोध आ रहा है, इसलिए आखिरी चेतावनी देता हूं कि उठकर युद्ध करो, अन्यथा यही पीस डालूंगा। आज तक मैंने कभी सोते हुए शत्रु पर वार नहीं किया है, इससे मेरी वीरता को लाज लगती है, परंतु आज तुम मुझे ऐसा वीरता विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू झूठ मूठ का सो रहा है। उठ! 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 तेरा काल, काल यवन, तेरा काल। उठ, नहीं तो अभी पैर के नीचे तेरा सर कुचल दूंगा। उठ! ये किस दुष्ट ने हमें नींद से जगाया? Oh.
हे महाप्रकाश, आप कौन हैं जो इन कमल जैसे चरणों के साथ चलकर इस कांटों भरे जंगल के बीच स्थित इस अंधेरी गुफा में अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं? कभी सोचता हूं कि आप स्वयं तेजस्वी में सबसे तेजस्वी भगवान अग्निदेव तो नहीं, जो तेज को भी तेज प्रदान करते हैं, अथवा आप सूर्यदेव तो नहीं? परंतु आपके तेज में गर्मी नहीं, इसलिए मैं मानता हूं कि आप अवश्य देवताओं के आराध्य भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से एक हैं। जैसे दीपक के प्रकाश से गहन अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार आप अपने तेजस्वी अंगों की कांति से इस गुफा के अंधकार को भगा रहे हैं। हे महातेज, आपके परम दिव्य और असह तेज से मेरी शक्ति खो रही है। मेरे नेत्र बहुत देर तक आपको देख भी नहीं सकते। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकुवंशी महाराज मानधाता का पुत्र मुचुकुंद सच्चे हृदय से आपके बारे में जानने का इच्छुक हूं, इसलिए हे पुरुषोत्तम, यदि आपको रुचे तो आप अपने जन्म, कर्म और गोत्र के बारे में बतलाने की कृपा करें। राजन, मेरे हजारों जन्म, हजारों कर्म और सहस्रों नाम हैं, जिनकी गिनती मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने कई जन्मों की मेहनत से इस पृथ्वी के रज कणों की गिनती कर ले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों की गिनती कोई अनंत जन्मों में भी नहीं कर सकता। सनक, सनंदन आदि मेरे परमर्षि गण भी मेरे नाम और मेरे गुणों का पारावार नहीं पा सकते। फिर भी प्रिय मुचुकुंद, क्योंकि तुमने पहले कई जन्मों तक मेरी आराधना की है, इसलिए मैं इस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें अपने वर्तमान जन्म और नाम का वर्णन करता हूं। सुनो, ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने की प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहां अवतार ग्रहण किया है, इसलिए सब लोग मुझे वासुदेव कृष्ण कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था और उसके साथ प्रलंबादी दूसरे कई असुरों का भी संहार कर चुका हूं। ये यवन राजा, जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया, इसका नाम काल यवन था। राजन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपने इस जन्म का गूढ़ वृत्तांत सुना दिया है। तुमने जो पिछले कई जन्मों तक मेरी आराधना की है, इसी का फल देने मैं स्वयं तुम्हारे पास इस गुफा में आ गया हूं। सो हे राजर्षि मुचुकुंद, आज तुम्हारी जो भी अभिलाषा है मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं, सारी लालसाएं पूर्ण कर दूंगा।
क्योंकि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वो शोक करे। भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मत से मतवाला होकर मैं अपने इस मरने वाले शरीर को ही अपनी आत्मा, अपना स्वरूप समझता था। और राजकुमार, रानी, धन, खजाना और पृथ्वी के मोह में ही फंसा हुआ था, जिससे मेरे जीवन का बहुत सा समय निष्फल और व्यर्थ चला गया। इस जन्म में मैंने कई यज्ञ आदि, धर्म, कर्म और बहुत से दान पुण्य भी किए थे, परंतु ये सब इसी कामना से थे कि मैं फिर अगले जन्म में इससे भी बड़ा सम्राट बनूं। इसी बढ़ी हुई तृष्णा के जाल में फंसकर मैं जन्म जन्मांतर से इस मृत्यु लोक में भटक रहा था, परंतु आज आपने मुझ पर परम अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही, बिना किसी परिश्रम के, अनायास ही मेरे मोह के सारे बंधन टूट गए हैं। ना मुझे चक्रवर्ती राज्य का मोह है, ना ही स्त्री, पुत्र और गृहस्थी का। प्रभु, मुझे इस स्थान पर लाकर अब कोई संसारी वर मांगने का प्रलोभन मत दो। हे अंतर्यामी, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं मांगना चाहता, केवल मुझे अपनी अनन्य भक्ति का ही वर दीजिए। हे प्रभु, केवल इतना ही वर दीजिए। महाराज मुचुकुंद, तुम्हारी मति और तुम्हारा निश्चय बड़ा पवित्र और उच्च कोटि का है। मैंने तुम्हें हर प्रकार का वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही तुम्हें यह प्रलोभन दिए थे, क्योंकि जो मेरा सच्चा भक्त होगा उसकी बुद्धि कभी दूसरी कामनाओं में नहीं भटकेगी। मैं तुम्हारी इस भावना से अति प्रसन्न हूं, इसलिए तुम अपने समस्त मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो और बद्रिका वन में गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करो। तुमने अपने इस जन्म में क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शिकार में बहुत से जीवों और पशुओं का वध किया है, इसलिए घोर तपस्या द्वारा अपने उस पाप को धो डालो जिससे तुम विषय वासना से शून्य मेरी भक्ति द्वारा मेरे विशुद्ध परमात्मा रूप को प्राप्त कर लोगे। तथास्तु, 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 तथास्तु।